हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर के ही सामान से कुरकुरे बनाएंगे और ये कुरकुरे बहुत अच्छी बनेगी फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी और आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट कुरकुरे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे आधा कप चावल का आटा। ये मैंने घर में ही मिक्सर में पीस के बनाया है चावल को। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच अरारोट या फिर मैदा डाल सकते हैं आप। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और ये मैंने लिया है 1 पिंच बेकिंग सोडा। 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और जो कप से हम लिए थे चावल का आटा उसी कप से हम 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसे सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसे गैस पे रखेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे चलाएंगे कंटिन्यू, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, अच्छे से इसे चलाना है। और ये हमारा देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हल्का सा डो की तरह बनने लग जाएगा। इसके बाद हम इसे इसके लीड को लगा के इसे स्टीम कर लेंगे 5 मिनट के लिए। ये स्टीम हो जाएगा 5 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेना। ये हमारा 5 मिनट हो गया है फ्रेंड, ये अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। हमें उतना ठंडा करना है जिससे हम इसके बाद हम इसे छू पाएं, ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है। हम इसे ठंडा कर लेंगे और ये हमारा ठंडा हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसे कुरकुरे बना लेंगे। हम इसे अब कुरकुरे बना लेते हैं। इसका हाथ में ऑयल ग्रीस कर ले, उसके बाद हम इसे इस तरह का कुरकुरे का शेप का बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे कुरकुरे का शेप का। और ये मैंने सभी कुरकुरे को बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए और हमारा ऑयल मीडियम गरम हो गया है। हमें कुरकुरे को फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम गरम चाहिए। अब हम इसे डाल देंगे कुरकुरे को इस तरह से। आपका कढ़ाई में जितना जगह है आप डाल दें। और यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे फ्रेंड, ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और लो भी नहीं रखना है। इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। और जब ये इस तरह का हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाए तो अब हम इसे निकाल लेंगे। कुछ देर के लिए यहीं पे रखेंगे इसे रोक के, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे कुरकुरे को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारा हल्का गोल्डन कलर का हो गया है और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। एकदम क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसके जगह पे पिज्जा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको नमक कम लगे तो आप उस ऊपर से नमक ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और डाला फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और ये हमारी कुरकुरे बनके रेडी है फ्रेंड्स, देखिए एकदम क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इसे घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।